अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चे। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 10th क्लास फिजिक्स। सबसे पहले तो मेरा बेटा आपको ये चीज पता होनी चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिक्स। तो मेरा बेटा बड़े सादा से लफ्जों में बात करेंगे, द स्टडी ऑफ लाइट कॉल्ड ऑप्टिक्स, जो कि अभी हमारे रूम में मौजूद नहीं है। द स्टडी ऑफ लाइट कॉल्ड ऑप्टिक्स। कभी भी आप बाजार में जाते हो तो दुकानों पे ये चीज देखते होंगे, अली ऑप्टिकल सेंटर, हसन ऑप्टिकल सेंटर, अहमद ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो तमाम चीजें जो देखने के लिए इस्तेमाल की जाएं, उन्हें मेरा बेटा हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम देते हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज टू सी द ऑब्जेक्ट, चाहे वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हो चाहे वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हो, इन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम जिन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिन आलात का इस्तेमाल करते हैं, उसको मेरे बच्चे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम देते हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि मेरा बेटा आपकी सन ग्लासेस भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपका कैमरा भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, टेलीस्कोप भी इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप भी इंस्ट्रूमेंट है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेंसेज भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ही आते हैं। सो मेरे बच्चे वो चीजें जिन्हें देखने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ज्योमेट्रिकल का मतलब ज्योमेट्री, वैसे हम इन अदर वर्ड्स ये कहते हैं डिफरेंट शेप के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, या यहां पे आप जब जितनी भी ऑप्टिक्स में, स्टडी ऑफ लाइट में जो डिवाइसेस, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होने हैं, हमने इस चैप्टर में उनके वर्किंग प्रिंसिपल पे बात करनी है। दो चीजों में बात करेंगे, इनकी रे डायग्राम और दूसरा मेरा बेटा इसके वर्किंग प्रिंसिपल। इस चैप्टर के, मैं हमेशा से ये बात करता हूं मेरा बेटा, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले सबसे अहम सवालात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिन्हें मैं नाम दूंगा मेरा बेटा। फर्स्ट वन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड वन मेरा बेटा, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। और एक मेरे बच्चे हमारे पास थर्ड वन जो टॉपिक आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसके बाद भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है डिफेक्ट ऑफ वीएन, जिसमें नियर साइटेडनेस और फोर साइटेडनेस आता है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मेरे बेटे इस टॉपिक को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शुरू करने से पहले तीन तरह के मटेरियल्स का पता होना जरूरी है। आप सब ने भी साइंसेस में ये तीन तरह के मटेरियल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। एक ऐसा लाइट के लिहाज से जो कि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके आर पार दोनों तरफ देखा जा सके, जैसे कि आप मोबाइल पे ट्रांसपेरेंट ग्लास का इस्तेमाल करते हो। दूसरा मेरा बेटा हमारे पास आगे ट्रांसलूसेंट, जैसे कि कुछ विंडो पे आपको ब्लर नजर आता है, इसका मतलब यह है कि इसमें से लाइट इजीली पास हो जाती है। ट्रांसलूसेंट में लाइट इजीली पास नहीं होती, बल्कि पास हो जाती है बट इजीली पास नहीं होती, इसलिए हमें थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ओपेक मटेरियल जिसकी दूसरी तरफ तो देखा जा ही नहीं सकता, तो यहां पे लाइट कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो जाती है। क्लियर हो गया मेरे बेटे? Yes, सबसे पहले व्हाट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, व्हाट आर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, रे डायग्राम और वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे, चैप्टर के नाम का मतलब, तीन तरह के मटेरियल है। अब हम देखते हैं कहां पे कौन सा फिनोमेना होता है। आप एक कमरे में बैठकर, पूरे रूम की लाइट ऑफ है लेकिन वो स्टडी लैंप आपका ऑन है, जिसके
नीचे आपने बुक रखी हुई है। अब आपकी आंखों में तो कोई रोशनी नहीं जा रही, लेकिन फिर भी, लेकिन डायरेक्ट आपकी आंखों में तो कोई अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नजर आ रहा है। उसकी रीजन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले दो चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिपल टैंक के टॉपिक में पढ़ा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ वॉटर वेव्स। सेकेंड 11 चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, जिसे आप एको का नाम देते हो। और अभी वाले चैप्टर में हमारा जो पहला टॉपिक है, मैं अगेन इसमें लिख लेता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो मेरे बच्चे हमारे पास आ गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और किस लिहाज से, सबसे पहले मेरे बेटे, रिफ्लेक्शन के लिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि एक तरफ से ओपेक भी हो, एक तरफ से आपके पास ओपेक भी हो। जैसे कि मैं एक प्लेन मिरर ले लेता हूं, प्लेन का मिरर कर सर्विस नहीं, एक इस तरह का एक सीधा सा मिरर। मिरर की दो सर्फेस होती है, एक वो सर्फेस जो कि रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग का मतलब जहां से आपको अपना चेहरा नजर आता है उस सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, और दूसरी सरफेस जहां पे पेंट होता है वो अमूमन लेट ऑक्साइड पेंट भी हो सकता है जो इसको ओपेक बना देता है। अगर वो पेंट ना हो तो लाइट उसमें से पास हो जाए, रिफ्लेक्ट बैक होके वापस ना आए। तो मेरे बेटे, हम डिफरेंट रेज हमारी लाइट से निकल रही है या ऑब्जेक्ट से निकल रही होती है, तो हम किसी एक रे का प्रिंसिपल देखते हैं, वही सबके लिए कॉमन होगा। तो सबसे पहले सपोज ये आपको बड़े अच्छे से पता है कि यहां पे जो मीडियम है वो एयर है, और अगर मैं मिरर की बात कर रहा हूं तो दूसरा मीडियम मेरे पास ग्लास है। एक मीडियम मेरे पास क्या आ गया, एयर, और दूसरा मीडियम मेरे पास क्या है, ग्लास। इससे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ वॉटर वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड में आपने ये पढ़ा, किसी भी चीज का एक मीडियम से ट्रेवल करके दूसरे मीडियम की सरफेस से टकरा के दोबारा फिर फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाना, इसे आप रिफ्लेक्शन कहते थे। सिमिलरली मेरी जान, आपके पास एक लाइट रे इंसिडेंट हुई ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, एयर से ट्रेवल करती हुई ग्लास की सरफेस पे जाके टकराई, टकराने वाली रे का एरो भी इनवर्ड आएगा, इसको मेरे बेटे हम नाम देंगे इंसिडेंट रे का, और रिफ्लेक्ट बैक होके दोबारा फिर अपने फर्स्ट मीडियम में वापस चली जाएगी। इस रे को हम नाम देंगे मेरा बेटा रिफ्लेक्टेड रे का। और कितने एंगल से ये रे टकराई और कितने एंगल से ये रे वापस गई, इस चीज को देखने के लिए हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे सिर्फ आई से भी लिख सकते हैं या थीटा बना के आई भी लिख लेते हैं। उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड है मतलब मुड़ के जाने वाली रे, और नॉर्मल के दरमियान बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और अगर इसकी डेफिनेशन की जाए, व्हेन अ लाइट रे, इसे क्या नाम दिया जाता है, लाइट रे ट्रेवलिंग इन अ सर्टन मीडियम, एक खास मीडियम है जैसे कि एयर है, उसमें ट्रेवल करती हुई इन अ सर्टन मीडियम फॉल्स, गिरती है, टकराती है ऑन दिस सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम, इसका कुछ हिस्सा वापस आता है, टर्न्स बैक इनटू सेम मीडियम, and this phenomena is called reflection of light. अब लाइट का एक मीडियम से टकरा या एक मीडियम से ट्रेवल करते हुए दूसरे मीडियम के सर्फेस पे जाके टकराना और अगेन वापस आ जाना, इसे हम क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वॉटर था तो रिफ्लेक्शन ऑफ वॉटर वेव, साउंड था तो उसे रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव कहा गया। अब मेरे बच्चे, इसमें आ जाते हैं हमारे पास फिर लॉज।
पहला लॉ तो ये है रिफ्लेक्शन के लिए, याद रखिएगा जिस एंगल से रे टकराती है उसी एंगल से ये रे वापस आ जाती है। किसी भी किस्म की रिफ्लेक्शन हो, रेगुलर हो या इररेगुलर हो, हर रे का एंगल ऑफ इंसिडेंट उसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो पहला लॉ तो हमने लिख दिया थीटा आई मस्ट बी इक्वल टू थीटा आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड लॉ ऑफ जरा देखो मेरे बच्चे, ये इंसिडेंट पॉइंट है, इस इंसिडेंट पॉइंट पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो आप लिखोगे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल इंसिडेंट रे All lie in the same plane. तो ये मेरा बेटा हमारा टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। फिर उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। डिपेंड करता है स्मूथनेस पे, नर्वो मलाइन सरफेस के ऊपर। सबसे पहले मेरे बच्चे, अगर आपके पास एक रेगुलर एक स्मूथ सरफेस है, ध्यान कीजिएगा मेरा बेटा, एक लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट बैक होके वापस चली गई एक ही जगह सोर्स से, दूसरी लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक होके वापस, थर्ड लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक होके वापस, एक दो तीन। मैंने पहले लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंट देखा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखा, तो डेफिनेटली उसने तो आपस में क्या आना है, इक्वल। दूसरे का देखा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन भी क्या है, इक्वल। तो ये तो जरूरी है कि रे का एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल। लेकिन रेगुलर सरफेस में ये चीज नोट की गई कि ये एंगल भी तीनों आपस में इक्वल है। अगर ये 30-30-30-30 सब क्या आ रहा है, 30-30-30-30 हर रे का एंगल ऑफ इंसिडेंट दूसरी रे के एंगल ऑफ इंसिडेंट से मैच कर रहा था, हर रे का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरी रे के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से मैच कर रहा था। लेकिन अगर सरफेस थोड़ी सी इररेगुलर आ गई, यहां से एक लाइट रे गई रिफ्लेक्ट बैक होके वापिस, लाइट रे गई रिफ्लेक्ट बैक होके वापिस, लाइट रे गई रिफ्लेक्ट बैक होके वापिस, यहां पे एक दो तीन। इंडिविजुअली देखा जाए तो रे वन का एंगल ऑफ इंसिडेंट उसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, लेकिन रे वन के एंगल रे टू के एंगल के आपस में इक्वल नहीं आ रहे। हर रे का अपना इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन तो इक्वल है लेकिन दूसरे से मैच नहीं करता। ऐसी सरफेस को या ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये मेरा बेटा हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक था, इंशाल्लाह इसके बाद हम स्फेरिकल मिरर के बात करेंगे और स्फेरिकल मिरर में हम मिरर के बारे में ईच एंड एवरीथिंग स्टडी कर लेंगे। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो MMA नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे और इंशाल्लाह इस वीक में हम अपना NMDCAT और ETA के स्पेशली लाइव क्लासेस का आगाज करने जा रहे हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन करें। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।